अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फ़िश बना रहे हैं। हमने फ़िश तकरीबन 500 ग्राम फ़िश ले ली है। उसको तैयार करने के लिए ये जो है ना, हमने मैदे में इसको डिप किया है। पहले आधा घंटा जो है ना, ये इसमें नमक लगा के रख दें फ़िश को, और ये डिप करके 10-15 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने जो है ना, भाई लाके जो लिए हैं वो हमने लिए हैं इधर गोभी और आलू। ठीक है जी, गोभी और आलू जो है ना, इनको नमक डालकर उबाल लें। नमक हसबे जायका जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है वो डालकर उबाल लें। ठीक है जी, सॉस के लिए हमने लिया है बटर, फ्रेश क्रीम है, मिल्स है, मिल्क और पिटा जी लिया, थोड़ा सा नमक। ठीक है जी, ये बाद में आपको मैं जो है ना सॉस बनाने का तरीका वो भी बताऊंगा जी। हमने बिल्कुल थोड़ा सा तेल लिया है, तकरीबन 50 ग्राम, और बिल्कुल हल्की आंच पर रखा है। और अभी हम डालेंगे इसमें जो है ना फिश। ठीक है, दो डाल लेते हैं। ठीक, हल्की फ्लेम रख लें, बिल्कुल हल्की जो है ना, क्योंकि ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि जल जाता है, क्योंकि ऊपर जो फ्लावर वो जल जाता है आटा जो है। हाँ, इनको बिल्कुल हल्की आंच पर जो है ना पकने दें, क्योंकि जब आप चूल्हा तेज़ करेंगे तो मछली जल जाएगी। तो बिल्कुल हल्की, तकरीबन जो है ना ये 80-90 ग्राद जो है ना आंच पर पकने दें इसको। ठीक है जी, तो ये गोभी और आलू जो है ना, ये भी तैयार हो रहे हैं। 5 मिनट और लगेंगे कि दूसरे पीस हमने डाल दिए हैं। ये एक दो पीस जो हमने तैयार कर लिए हैं। सबसे जो सॉस का तरीका है ना, वो बहुत लाजमी है आपको सीखना, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना बिल्कुल हेल्थी खाना है। इसमें कोई फैट नहीं है, कोई कैलोरीन नहीं है, ये बहुत ही जो है ना हेल्दी खाना जो है ना, बहुत हेल्दी खाना है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, और सॉस जो हम बनाएंगे आपको फिर दिखाएंगे। ये मेरे गोभी और आलू तैयार हो गए हैं। इसमें हमने पानी छान लिया है, बिल्कुल जो है ना ये खुश्क हो गए हैं। इधर मच्छी भी तैयार हो गई है। अब हम आपको जो है ना वो सॉस का तरीका बता रहे हैं। ठीक है जी, इतना सा बटर जो है ना वो डाल दिया है हमने। ठीक है, तकरीबन 50 ग्राम बटर, और इसमें एक चम्मच मैदा हमने डालना है। याद है कि बिल्कुल इसको जो है ना ये हलाना है, क्योंकि ये मैदा जो है ना वो क्लुम्शन ना बने इसमें। ये फ्रेश क्रीम हमने डाल दी है। थोड़ा सा मिर्च, मिल्क जो है ना वो भी डाल दी है।
ये पिटाजीलिया, या अगर पिटाजीलिया ना मिले तो धनिया जो है ना वो छोटा छोटा काट के वो भी आप डाल सकते हैं। हसबे जायका नमक थोड़ा सा जो है, ये अब गाढ़ा हो गया है, बस 1 मिनट और जो है ना इसको उतार लेंगे। एक पीस आप मच्छी का डालना है, थोड़ा सा जो है ना ये आप सब्जी ये आप ट्राई करें दोस्तों, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई तंदुरुस्ती किसे कहते हैं। हाँ जी, ये जो सॉस है इसको इस पर डाल लें। ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, जर्मन इटालियन इंटरनेशनल जो है ना ये, ठीक है जी। तो आप भी बनाएं इसको और ट्राई भी करें, ये लें, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाह करें, हम तो इसको अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें तो बहुत जो है ना मज़ा देती है ये डिश। हाँ जी, सर्दियों में ख़ास करके फिश जो है ना वो खाने का बहुत ही मज़ा आता है। ओके, खुदा हाफिज़।